हेलो फ्रेंड्स आई एम अनवेशा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पायरिंग बैंकर अन्वेशा इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस आई मेक वीडियोस ऑन इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वर्ब चैप्टर ऑलरेडी मैंने दो पार्ट्स वर्ब के कर चुके हैं पार्ट 1 और वर्ब पार्ट 2 आज वर्ब पार्ट 3 है तो इंग्लिश प्ले लिस्ट में आप चले जाइए प्ले लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको तो वहां पर आप चले जाइए वहां पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स खत्म कर रही हूँ यूट्यूब पे आप मुझे अनएकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर मैं फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ तो अनएकेडमी के प्रोफाइल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ और अनएकेडमी में क्लासेस मैं इंग्लिश में, में कंडक्ट करती हूँ अनएकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है टॉप बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहा है टेंथ मार्च से तो चलिए देखते हैं अनएकेडेमी का क्या क्या बेनिफिट है अनएकेडमी प्लस में हर महीने बैचेस लॉन्च होते हैं और पूरे बैच को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया जाता है हर एक क्लास का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा जिससे आप उन क्लासेस को रिवीजन कर सकते हैं आप रिवीजन के लिए क्लासेस का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और अगर आपने कोई लाइव क्लास मिस किया है तो उसको भी आप देख सकते हैं आपका जो कंटेंट है उसका आपको पी मिल जाएगा बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो आप एडुकेटर्स भी अपना खुद का चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से ओके okay? uh, तो ये सारे हैं अनएकेडमी प्लस के बेनिफिट्स और और यही नहीं लाइव सेशंस और आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑफकोर्स रहते हैं ओके एसबीआई क्लर्क सीईटी 2021 ये सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और इसके साथ साथ एस बी और आई बी का भी बैच लॉन्च हो रहा है टेंथ मार्च और ये बैचेस चलेंगे फोर मंथ्स के लिए ओके okay? ठीक है और यहाँ पर आपको पूरा आपका पूरा सिलेबस मतलब फाउंडेशन से सब कुछ आपका कवर किया जाएगा इन बैचेस में फिर आपका फाउंडेशन बैच है एस बी आई एग्ज़ाम्स के लिए और ये बैच भी है चार महीने के लिए यहाँ पे एडुकेटर्स एस बी आई पी और क्लर्क दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और दो महीने के लिए एक आर बी आई ग्रेड बी फेज़ टू का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है ओके okay? इसके साथ साथ देखिए हर संडे एक अनएकेडमी बैंक एग्जाम कॉम्बैट एक टेस्ट होता है जो कि फ़्री ऑफ कॉस्ट रहता है इस टेस्ट में भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और पार्टिसिपेट करने के लिए कूपन कोड एनी का इस्तेमाल ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक करोड़ तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अगर आप अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए और ये कूपन कोड किसी भी कैटेगरी में आप लगा सकते हैं बैंक एसएससी रेलवे कैट कोई भी कैटेगरी हो यूपीएससी में आप लगा सकते हैं एनी कूपन कोड टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा कि एस प्लस बैंक कॉम्बो तो ये कॉम्बो भी आप ले सकते हैं अगर आप दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ठीक है तो इस कॉम्बो में आपको मतलब अगर आप अलग अलग से लेंगे तो आपका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो आप कॉम्बो ले सकते हैं ओके तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो हम लोग आज पार्टिसिपल से स्टार्ट करेंगे तो ये है वर्ब का पार्ट थ्री और आज ही आपका वर्ब ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो इस चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में ख़त्म किया है पार्टिसिपल देखिए हम लोग इन्फिनेटिव कर चुके हैं इन्फिनेटिव क्या होता है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन जिरंट कर चुके हैं जिरंट क्या होता है आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि नाउन के तरह काम करे ठीक है और अब हम लोग करेंगे पार्टिसिपल पार्टिसिपल देखिए क्या होता है पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स हैं जो कि वर्ब के तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव के तरह भी काम करता है ठीक है जिड क्या होता है ना उनके तरह काम करता है पार्टिसिपल क्या होता है एडजेक्टिव के तरह काम करता है ओके okay? देखिए अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से होते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि एडजेक्टिव के तरह काम करे उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि इस क्वेश्चन इस सेंटेंस में देखिए ऑल एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स आर रॉन्ग तो यहाँ पर बिजनेस जो है ये आपका है नाउन बिजनेस मॉडल्स आपका नाउन है और यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग आपका क्या है एडजेक्टिव है क्योंकि आप इस पर क्वेश्चन पूछिए व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स तो आपको जवाब मिलेगा एग्जिस्टिंग लेकिन वैसे एग्जिस्टिंग है क्या एग्जिस्टिंग है आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब पर यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव के तरह तो ये है आपका पार्टिसिपल यहाँ पर ठीक है ओके okay? अब देखिए एक्शन इज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट वहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है क्राइंग रिलेंटलेसली द बेबी थ्रू अवे इट्स टॉयज तो रोते रोते कंटिन्यूसली रोते रोते बच्चे ने अपने टॉयज को फेंक दिया ओके okay? तो ये जो एक्शन है ये चल रहा है ऑलरेडी ये चल रहा है तो इसे भी हम लोग पार्टिसिपल कहेंगे ओके okay? नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है ये जस्ट आपका V3 थ्री फॉर्म है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये पास्ट पार्टिसिपल देखिए यहाँ पे क्या होता है टू एक्शंस हैपन वन आफ्टर अनादर द सेकेंड एक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्शन एंड एक्शन हैज बिन कम्पलीटेड बिफोर अनादर एक्शन टू प्लेस इसका मतलब दो एक्शंस हैं दो ठीक है दो एक्शंस हैं है, और एन एक्शन हैज़ बिन कम्पलीटेड बिफोर अनदर एक्शन टू प्लेस मतलब मतलब क्या है कि इस एक्शन को कम्प्लीट करने के बाद ये एक्शन हो रहा है इस काम को ख़त्म करने के बाद ये काम हो रहा है सेकेंड जो आपका होता है वो ये है कि ये जो काम है ये इसी काम का फर्स्ट काम का रिजल्ट है तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल अब देखिए ड्रिवन बाई हिज पोवर्टी ही कमिटेड सुइसाइड यहाँ पे दो वर्ब्स हैं आपके एक है ड्रिवन बाई पोवर्टी और दूसरा है कमिटेड सुइसाइड लेकिन ये जो सेकेंड वाला है ना सेकेंड वाला ये पहला का रिजल्ट है फर्स्ट वर्ब का रिजल्ट है क्योंकि पोवर्टी के कारण ही उसने सुइसाइड किया तो इसका रिजल्ट है ये फाइन तो ये आपका है पार्टिसिपल ड्रिवन द बॉय टेकन टू हॉस्पिटल हैज़ रिकवर्ड तो दो यहाँ पे वर्ब्स हैं एक है कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके हॉस्पिटल लेकर गए और दूसरा है बच्चे ने रिकवर किया अब देखिए उसने रिकवर क्यों किया क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर हम लोग गए थे तो दिस मीन्स कि ये जो हैज़ रिकवर्ड वाला जो है ये इसका रिजल्ट है ओके तो टेकन यहाँ पे क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फिल्ड अप द फॉर्म तो यहाँ पर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वॉट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड और यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड वैसे है क्या वी थ्री वी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकिन एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है तो ये बन गया आपका पार्टिसिपल ओके okay? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है हैविंग प्लस बी थ्री ये इंपॉर्टेंट है ओके परफेक्ट पार्टिसिपल प्लीज़ ध्यान रखना इसका देखिए इसमें क्या होता है द सेकेंड एक्शन स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन हैड फिनिश्ड कंप्लीटेड इन द पास्ट तो यहाँ पर देखिए हैविंग रेड द बुक द बॉय केम आउट ऑफ द रूम तो यहाँ पर क्या हो हो रहा है कि ये काम जब तक ख़त्म नहीं होता है पहला काम जब तक ख़त्म नहीं होता है दूसरा काम नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो लड़का है वो रूम से बाहर तब तक नहीं आ पाता जब तक उसने बुक ख़त्म नहीं किया होता लेकिन उसने बुक ख़त्म कर लिया तो वो बाहर आया हैविंग रेड द बुक द बॉय किम आउट ऑफ द रूम ओके तो इसका जो आपका फॉर्म है फॉर्म आपको याद रखना है ठीक है जो फॉर्म है वो है हैविंग प्लस वी थ्री हैविंग प्लस वी थ्री इसमें देखिए सेकंड वाला देखिए हैविंग रेस्टेड स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन तो देखिए जब तक वो, वो रेस्ट नहीं कर लिए हो कर लिया होता या फिर जब तक वो लोग रेस्ट नहीं कर लिए होते तब तक वो लोग जर्नी नहीं स्टार्ट करते अब क्योंकि रेस्ट हो चुका है इसलिए उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया ओके तो यहाँ पर देखिए क्या होता है सेकेंड एक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ़र्स्ट एक्शन कम्प्लीट हो जाए ओके अब देखिए मैं आपको एक एरर डिटेक्शन यहाँ पर देती हूँ एरर

फॉर्म होता है ना स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैविंग प्लस वी थ्री तो यहाँ पे कंप्लीट है वी वन तो ये गलत है यहाँ पे कंप्लीटेड होगा हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क द चाइल्ड वॉच टी वी अगर एरर डिटेक्शन आता है इस पार्ट से तो इसी तरीके से आएगा बस आपको ये फॉर्म याद रखना है और कुछ भी नहीं हैविंग प्लस वी थ्री बस दैट्स इट ओके यूज ऑफ पार्टिसिपल हम लोग हम लोग देख चुके हैं एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है द स्वोलन एंकल मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक व्हाट काइंड ऑफ एन एंकल यहाँ पे एंकल है नाउन वॉट काइंड ऑफ स्वोलन तो ये है एडजेक्टिव ओके वर्ब की तरह काम कर सकता है आई हैव डन माई जॉब तो ये देखिए ये तो वर्ब की तरह काम कर रहा है आई हैव बेक द कुकीज़ ये वर्ब की तरह काम कर रहा है ठीक है एज एन एडवर्ब ही केम होम क्राइंग तो यहाँ पर केम होम क्राइंग तो यहाँ पे केम ये है आपका वर्ब और ये बन गया किस तरीके से वो घर आया रोते रोते तो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है क्राइंग ओके okay? यहाँ पर देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स डैश इन द सेम इंडस्ट्री फॉर इयर्स वी न्यू इच अदर वेल तो इंडस्ट्री में साथ इंडस्ट्री में एक साथ सेम इंडस्ट्री में बहुत साल रहने के वजह से ही वी न्यू इच अदर वेल तो यहां पे क्या होगा हैविंग वर्कड इन द सेम इंडस्ट्री फॉर इयर्स हैविंग वर्कड

अब हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस में वर्ब का पोजीशन क्या होता है वर्ब कहाँ रहता है एक सेंटेंस में ओके तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एकदम सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये होता है इंट्रांटिव वर्ब्स में इंट्रांटिव वर्ब्स मतलब जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर और ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ओके जैसे कि द बॉय इज़ स्लिपिंग द बॉय इज़ स्लिपिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है बॉय और यहाँ पे इज स्लीपिंग क्या है वर्ब इज़ है हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग है मेन वर्ब ओके द चाइल्ड इज प्लेइंग चाइल्ड है सब्जेक्ट ये है आपका वर्ब बर्ड्स फ्लाई बर्ड्स है सब्जेक्ट फ्लाई क्या है वर्ब ओके okay? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नेक्स्ट आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव जैसे कि दिस इज़ अ पेन दिस है आपका सब्जेक्ट इज है आपका वर्ब पेन है आपका नाउन शी इज हैप्पी शी है आपका सब्जेक्ट इज है आपका वर्ब और हैप्पी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शी ओपन द डोर ड्रोव द कार शी है सब्जेक्ट ओपन है आपका वर्ब शी ओपनड वॉट ओपन वॉट डोर डोर आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ड्रोव द कार ही सब्जेक्ट ड्रोव है आपका वर्ब और ही ड्रोव वॉट ही ड्रो वॉट द कार आपका क्या है डिरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिरेक्ट ऑब्जेक्ट आई गेव हर माई बुक आई है सब्जेक्ट गेव है आपका वर्ब आई गेव वॉट गेव वॉट क्या दिया है मैंने मैंने क्या दिया है बुक दिया है बुक तो बुक आपका क्या हो गया बुक आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने किसे दिया है हर को दिया है तो so, हर हो गया आपका इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके आई बॉट हर अ पर्स आई है सब्जेक्ट बॉट है वर्ब मैंने क्या खरीदा है पर्स वॉट आई बाई बॉट वॉट बॉट वॉट क्या खरीदा है पर्स पर्स खरीदा है तो पर्स क्या है डिरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे दिया है मैंने ये पर्स हर को दिया है हर हो गया आपका इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो देखिए पिछला वाला सेंटेंस क्या था आई गिव हर माई बुक यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन क्या था यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकिन यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए आई है सब्जेक्ट गिव अ वर्ब मैंने क्या दिया है वॉट डिड ए गिव माई बुक तो बुक आपका क्या हो गया डिरेक्ट ऑब्जेक्ट टू क्या है प्रेपोजिशन है हर क्या है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्योंकि ये हर जो है ये प्रेपोजिशन के बाद है इसलिए हम इसे कहेंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का मीनिंग सेम है बस कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है आई बॉट अ पर्स फॉर हर आई है सब्जेक्ट बॉट है वर्ब पर्स क्या है डिरेक्ट ऑब्जेक्ट है फॉर क्या है प्रपोजिशन है हर क्या है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ओके okay? अब देखिए ये सेंट यहाँ पे कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है बींग अ रेनी डे आई डिड नॉट कम अब देखिए बारिश हो रही थी इसलिए मैंने नहीं आया लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यू नीड अ सब्जेक्ट हियर तो सब्जेक्ट जब को कुछ नहीं है आपको एक सब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे एक स्यूडो सब्जेक्ट लगा दोगे तो स्यूडो सब्जेक्ट क्या होता है इट इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट कम ओके वॉकिंग अलोंग द रोड माय पेन फेल डाउन तो ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे पेन ही चल रहा था रस्ते में और चलते चलते गिर गया पर ऐसा नहीं है ना मैं चल रही थी रस्ते पर और तब पेन गिर गया तो यहां पर मैं कह सकती हूँ वाइल आई वॉज walking along the road my pen fell down okay he sounds politely ab dekhiye sound jo verb hai ye kaisa verb hai verb of sensation and perception verbs of sensation or perception kaun se hote hai sound hota hai matlab hear see smell taste feel ये सारे होते हैं आपके verbs of sensation और इसे modify करने के लिए आप adjective का इस्तेमाल करते हैं adverb का नहीं तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ तो पोलाइटली नहीं होगा यहाँ पे पोलाइट होगा ही साउंड्स पोलाइट ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉकिंग तो यहाँ पर देखिए ए है वो वो किसके लिए जा रहा है एक थोड़ा चलने के लिए या फिर दौड़ने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर नीड अ नाउन और आपको यहाँ पर वी वन यूज़ करना होगा ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक ही इज़ गोइंग फॉर अ रन ओके आई एम हैविंग अ कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है देख लीजिए हैविंग इसे आप पोजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, कि मेरे पास है इसलिए आप हैविंग को यूज़ नहीं कर सकते यानी कि हैव को पोजेशन हैव का पोजेशन समझाने के लिए हैव का पोजेशन समझाने के लिए यू कैन नॉट यूज़ आई एन जी आई एन जी यूज़ नहीं होता है ओके तो यहाँ पर क्या होगा आई एम हैविंग अ कार गलत है सिंपली क्या होगा आई हैव अ कार ओके ठीक है तो यहाँ पर मैं आपका वर्ब चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया है अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और वर्ड चैप्टर ख़त्म हो चुका है तीन पार्ट्स में इंग्लिश ग्रामर प्ले में चले जाइए और बाकी के चैप्टर्स भी आप देख लीजिए बहुत सारे आपके ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं चैप्टर्स आप प्लीज़ देख लीजिए और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास जो भी ग्रामर बुक है वहाँ से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सेशंस देखने का ठीक है मैं फिर से आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट सेशन में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए